देखिए आरोप मैंने नहीं लगाया है सौरभ भारद्वाज पर, आरोप लगाया है वहाँ के RWA ने और वहाँ के बुजुर्ग लोगों ने कि भाई एक तरफ केजरीवाल सरकार और सौरभ भारद्वाज बुजुर्गों को तीर्थाटन करा रहे हैं और वहाँ त्रिदेव के नाम से जो भैरव चौक है, भौरे चौक पर त्रिदेव के नाम से तीन पेड़ हैं, अपना पीपल का पेड़ है, बरगद का पेड़ है और नीम का पेड़ है, जो आस्था का केंद्र है, वहाँ के सारे लोग जा करके वहाँ पूजा अर्चना करते हैं, वहाँ पर धागा बांधे हुए हैं भौरे चौक पे। और विधायक ने अपना आम आदमी पार्टी का कार्यालय बनाने के लिए पार्षद जो वहाँ सौरभ भारद्वाज जो विधायक हों और वहाँ पार्षद जो है पूजा जाखड़ है, ये दोनों मिल करके आपसी साठ गांठ से उस जमीन को चार दीवारी में तब्दील कर दिया, चार दीवारी को आगे उठा करके लिंटर किया। वहाँ के RWA और वहाँ के बुजुर्गों ने बहुत अनुनय विनय इनसे किया, लेकिन अनुनय विनय के बाद ये लोग बात नहीं माने तो कोर्ट में गए। कोर्ट में जाने के बाद कोर्ट ने निर्णय दिया उस उनके अगेंस्ट में, कहा कि इस जो तुमने कंस्ट्रक्शन किया है इसको डिमोलिश करो और यहाँ पर जो है जैसी स्थिति थी वैसी बहाल की जाए। परंतु अभी भी केजरीवाल जी का उनके ऊपर हाथ है, न उन्होंने उसको कहीं ना कहीं उसको जो है निर्माण को रोका नहीं गया, वो पीछे के दरवाजे से आकर के अभी भी निर्माण कार्य कर करके वो 200 गज की जगह है, प्राइम लोकेशन पर है और वो करोड़ों की संपत्ति है, उसको आम आदमी का कार्यालय बनाने के माध्यम से उस ज़मीन को कैप्चर करना चाहते हैं सौरभ भारद्वाज। इसकी कड़ी निंदा भारतीय जनता पार्टी करती है। यदि वे नहीं माने तो भारतीय जनता पार्टी उन बुजुर्गों के साथ RWA के साथ खड़े होकर के इस चीज का कड़ा विरोध करेंगे। सर अभी कुछ दिन पहले सौरभ भारद्वाज जी ने जो दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी उनके परिवार पे भी कुछ टिप्पणी की थी, उसका आप क्या? अरे भैया उनके ये सौरभ भारद्वाज की बात छोड़िए, उनके जो मुखिया हैं उन्होंने स्वर्गीय अरुण जेटली पर आरोप लगा दिया था, क्या परिणाम आया था कि सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। गडकरी जी पर आरोप लगा दिया था, क्या परिणाम हुआ, सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगे। तो इस विधायक को कौन पूछता है जिसका मुखिया माफ़ी मांगते हुए घूमता हो, तो विधायक को कौन पूछता है। मैं आज विरोध में बोल रहा हूं तो मुझ पर भी कोई आरोप लगा देगा। अरे मैं तो कहता हूं कि केजरीवाल जी सामने आए, सौरभ भारद्वाज सामने आए और हमारा ऊपर से और बाहर से दोनों जांच करा ले और अपने भी बहुत सारे फाइलों की CAG के माध्यम से जाँच कराए, तब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक हो या पार्षद हो, क्या कहना चाहेंगे कि उसके ये लोग हैं? ये लोग जितने भी ये लो स्टैंडर्ड के जो लोग थे, ये न केन प्रकार ने सत्ता पर कब्जा करने के लिए, सत्ता को हथियाने के लिए केजरीवाल ने सबका उपयोग किया। और ये सौरभ भारद्वाज कोई नया नहीं है, त्रिलोकपुरी के विधायक मनोज कुमार थे, मनोज कुमार पर भी ये जमीन कब्जा करने के आरोप लगे थे और उनको जेल जाना पड़ा था। अभी पानी में हेरा फेरी करने के लिए, फ्यूल में हेरा फेरी करने के लिए अभी देवली के विधायक भी जेल से जा कर के आ चुके हैं। तो इनका तो है, इनके और विधायक चरित्रहीनता के आरोप में कभी पार्टी छोड़वाया जाता है तो कभी अंदर जाता है। तो जिस सरकार की नियति ये है उस पर कहते हैं कि जे आदेश गुप्ता पर आरोप लगा दिया। अरे भाई प्रदेश अध्यक्ष, ये तो आदेश गुप्ता प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर पर आरोप उसका मुखिया लगाया और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगा। तो जो हम पर आरोप लगाएगा जिस दिन हम कोर्ट में उसके विरोध में जाएंगे फिर सार्वजनिक रूप से माफ़ी मंगवाएंगे। Like, share and comment. To subscribe this channel, please press the bell icon.